बैच 7 के ई सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपने LMS को ओपन कर लेना है। LMS को ओपन करेंगे तो हमारे सामने करंट और प्रीवियस का ऑप्शन आएगा। हमने यहाँ पर करंट हमारे मौजूदा जो कोर्स होंगे वो, और अगर हम थोड़ा सा राइट साइड पे देखें तो प्रीवियस का ऑप्शन आता है। प्रीवियस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट क्राइटेरिया और व्यू रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक कर लेते हैं। जो जब हम व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुकम्मल क्राइटेरिया दिया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग है, DSTP बैच 7 है, और यहाँ पर एक्सरसाइज और कंप्लीटेड है, स्टेटस कंप्लीटेड, और इसी तरह बॉटम में लिखा है डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने से पहले आपने अपना नाम चेक कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट्स है। मिडल नेम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया उसके बाद आपका नाम चेंज नहीं होगा, इसलिए आपने अकॉर्डिंग टू अपने सर्टिफिकेट्स नेम को या ID कार्ड के मुताबिक अपने नेम को सेट कर लेना है। अभी चेंज हो जाएगा फर्स्ट टाइम, लेकिन इसके बाद चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही मैं डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा, ये बकायदा मुझे यहाँ पर लिखेगा, डियर अब्दुल, प्लीज़ वेरीफाई योर फुल नेम केयरफुली एज पर योर CNIC। वंस यू विल डाउनलोड द सर्टिफिकेट यू वॉन्ट नॉट बी एबल टू चेंज इट अगेन, क्लिक ओके टू प्रोसीड। चूँकि मेरा नाम बिल्कुल ठीक है इसलिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद आप यहाँ से देखें तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया और ये डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड सक्सेसफुली। इसको मैं ओके करता हूँ और इसके बाद हम जाके स्टोरेज फाइल में इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर फाइल का एक फोल्डर पड़ा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मोबाइल ऐप में मौजूद होते हैं आइकॉन। फाइल को हम ओपन करेंगे, जब हम ओपन करते हैं तो ये देखें यहाँ पर डाउनलोड के अंदर वो सर्टिफिकेट मौजूद है और ऊपर लिखा है रीसेंट, यानी कि ये अभी मैंने ये वाला डाउनलोड किया हुआ है। इसके अलावा डाउनलोड में भी ये मौजूद होगा, इसी को मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ये वाला सर्टिफिकेट अभी हमने डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर देखें तो ये कम्प्लीट सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। इसको आप PDF फाइल में या इमेज फाइल में इसको सेव कर लेंगे और उसके बाद इसको आप प्रिंट करवा लेंगे मार्केट में किसी भी कलर प्रिंटर से, जो आपसे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ लेंगे वो आप इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। डियर ट्रेनीज, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आपने बैच 7 का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। LMS पर साइन इन होने के बाद आपने ट्रेनी सर्विसेज का ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर माय रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कोर्स की डिटेल आ रही है। राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन है और इसके नीचे व्यू लिखा हुआ है, आपने व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ये फ्रीलांसिंग है, मैंने व्यू पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मेरे सामने सर्टिफिकेट शो हो गया, इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट डाउनलोड, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका डाउनलोड फाइल में चला जाएगा। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने से पहले आपने अपना नाम चेक कर लेना है कि वो आपके CNIC के मुताबिक हो। एक बार सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया तो फिर उसके बाद आपका नाम चेंज नहीं होगा, इसलिए इस चीज़ को कन्फर्म कर लें कि आपका नाम आपके ID कार्ड के मुताबिक है। डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं और यहाँ पर ये वाला आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर पड़ा होगा। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ और ये व्यू भी हो जाएगा। ये देखें, ये भी हमने डाउनलोड किया, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा होगा और उसके बाद कम्प्लीटेड डेट वगैरह लिखी हुई होगी। इसको आप किसी भी शॉप पर जाएँ और इसका कलर प्रिंट करवा के अपने पास रख लें।